खबरें दिनादन में आप सभी का स्वागत है। मुसीबत में घिरी कमलनाथ सरकार को मिली थोड़ी राहत। कोरोना के नाम पर 26 मार्च तक विधानसभा स्थगित। बहुमत परीक्षण के लिए कमलनाथ सरकार को मिला 10 दिन का और समय। चरम पर मध्य प्रदेश में सियासी संकट। राज्यपाल के सामने भाजपा विधायकों की परेड। शिवराज का बयान, रणछोड़ दास बन गई कमलनाथ सरकार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मध्य प्रदेश का सियासी मामला। शिवराज सिंह चौहान ने परीक्षण पर दाखिल की याचिका। सियासी संकट पर कल सुप्रीम फैसला। जीतू पटवारी का पीएम मोदी पर विवादित बयान, कहा सरकार गिराने के लिए विधायकों को बनाया गया है बंधक। आंकड़ों में उलझ गए राहुल गांधी, संसद में 50 तो बाहर मांगी 500 डिफॉल्टर्स की लिस्ट, लोकसभा में हंगामा। कोरोना वायरस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोग स्वस्थ रहें इसके लिए नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। महाराष्ट्र में सोमवार को 6 मामले आए सामने। कोरोना के इंतजामों का निरीक्षण कर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई। यस बैंक के ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर। यस बैंक ने ट्वीट कर दी जानकारी, 18 मार्च शाम 6 बजे के बाद ग्राहक अपने खाते से कर सकेंगे सामान्य लेन देन। नए लुक के साथ चेन्नई से रवाना हुए महेंद्र सिंह धोनी, आईपीएल के स्थगित होने पर फिर क्रिकेट से बनाई दूरी। और वार्नर और कप्तान फिंच ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर उठाए सवाल, कोरोना को लेकर जाहिर की चिंता। खबरें दिनादन में बस इतना ही, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।